मेरे क्लाइंट कोयल के एक्स हस्बैंड अभय डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री है। लाकर दरवाजा बंद कर दिया था और हमारे खाने में कुछ मिलाया हुआ था जिससे हम बेहोश हो गए थे। सीरियल जिद्दी दिल में चल रहा है इमोशनल ट्रैक। इस ट्रैक में कोयल की ग्रैंड मदर इन लॉ उससे उसका बच्चा अलग करने के लिए कोर्ट का सहारा ले रही हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरे क्लाइंट कोयल के एक्स हस्बैंड अभय डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री है और उन्होंने निखिल और कोयल के साथ जो बर्ताव किया है उसे मद्देनजर रखते हुए इंसान का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता। एंड मिलॉर्ड, ऐसे लोगों को निखिल की कस्टडी कैसे दी जा सकती है? मैं पहले ही बता चुका हूं कि दिस केस इज नॉट अबाउट अभय। हमें भी पता है अभय के खिलाफ कौन से चार्जेस लगे हैं और उनके साथ क्या चल रहा है, लेकिन ये केस मेरी क्लाइंट नेत्रा जी ने फाइल किया है। वो ये चाहती है मिलो कि उनका पोता जिससे वो उसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। सीन की बात करें तो दादी कोयल के बच्चे की कस्टडी अपने पास लेने के लिए कोर्ट पहुंचती हैं। उसे पहला अपने साथ ले जाने की कोशिश की। अभी हाल फिलहाल में हुई एक आर्ट एग्जीबिशन, मृदुला जी निखिल। ऑब्जेक्शन मिलोर, किडनैप की कोशिश इन्होंने नहीं अभय ने की। कोर्ट में दादी कोयल को गैर जिम्मेदार माँ साबित करने में लग जाती हैं। मैं यहाँ सबूतों के आधार पर ये बात साबित कर सकता हूँ कि कोयल जी का जो व्यवहार, खास तौर से जहाँ निखिल की सुरक्षा की बात आती है। यस मिलोर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, निखिल के ऊपर गरम गरम चाय गिर गई थी और जिम में कोयल ने निखिल को अकेला छोड़ दिया, जिस लापरवाही की वजह से निखिल पर जानलेवा हादसा भी हो सकता था। माय लॉर्ड, कोयल का ध्यान बिल्कुल भी निखिल पर है ही नहीं। वो सब एक एक्सीडेंट था, किसी के साथ भी हो सकता। नहीं होता कि मैं एक जिम्मेवार मदर नहीं हूँ या फिर मैं निखिल का ख्याल नहीं रख सकती। साथ ही दादी कहती हैं कि कोयल सिर्फ अपनी लाइफ में बिजी है और वो भी फैजी के साथ, और उसे अपने बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और फिर निखिल को छोड़कर एक गैर मर्द के साथ एक कमरे में पूरी रात बंद होकर रहना, ये भी एक्सीडेंट था। कोयल भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखती है। मैं जानबूझ के वहाँ नहीं गई, किसी ने जानबूझकर फैजी और मुझे वहाँ बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया था और हमारे खाने में कुछ मिलाया हुआ था जिससे हम बेहोश हो गए थे। आप ही ने किया होगा ना ये सब कुछ, क्योंकि यहाँ बैठकर मुझ पे इस तरह के घटिया इल्जाम लगा सके। देखिए जज साहब, कैसे ये बात बार पर गुस्सा करती है, ऐसे ही पेश आती है मेरे निखिल के साथ। गुस्सा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप बार बार पे गुस्सा दिला रही हैं। आ नहीं पाती और देख नहीं पाती कि कोयल ने मेरे निखिल का क्या हाल बना दिया है ना सर। ये कुछ भी कोयल, निखिल की कस्टडी में तुम्हें देना चाहता, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा कि आप निखिल को एक स्टेबल एंड सेफ एनवायरनमेंट दे सकते। अब ऐसे में दोनों पक्ष की बात सुनकर कोर्ट अपना क्या फैसला लेता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। निखिल की कस्टडी कोयल के पास रहेगी या चली जाएगी अभय के पास।